गढ़वाल के 54वें महाराजा प्रद्युम्न शाह का खुड़बुड़ा के करीब मौजूद समाधि स्थल बेहद जर्जर अवस्था में है। चौदह साल पहले गोरखाओं के साथ भीषण युद्ध में महाराजा को वीरगति प्राप्त हुई थी। यह स्मारक गुरु राम राय दरबार साहिब के दर्शनी गेट वाले बाजार के हिस्से में स्थित है। कई सालों तक इसकी देखरेख दरबार साहिब के हाथों में रही। वर्तमान में यह स्मारक चारों ओर से इमारतों से घिर गया है। इसकी छत टूट चुकी है। भवन की स्थिति दयनीय है। मौजूदा समाधि स्थल वही जगह है जहां पर प्रद्युम्न शाह को गोरखा सैनिक की गोली लगी और यहीं उन्होंने आखिरी सांसें ली। यहां पर जो है वो अंतिम समय में गिरे थे जो कुंवर रंजीत जो नेपाली सैनिक थे उन्होंने गोली चलाई और वो कुंवर रंजीत की गोली से वो यहां पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इन्होंने जो नेपाली सैनिक थे इन्होंने सम्मानपूर्वक इनका हरिद्वार कंखल में अंत्येष्ट की। ये इतिहास है। तो अब हमारी ये डिमांड है जो ये समिति ये डिमांड कर रही है कि यहाँ पर जो हमारा जीता जागता इतिहास है ये समाधि स्थल है इसका एक जीर्णोद्धार कराया जाए। यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के ये अंडर में है। मैं धन्यवाद दूंगा गुरुद्वारा साहिब को, कम से कम यहाँ पे बिजली तो जला रहे हैं, एक चौकीदार तो उन्होंने रखा है, लेकिन इसके और जानने की जरूरत है। जो हमारा वर्तमान जो पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है वो गढ़वाल के महाराजा के वीरता के प्रति वो इतिहास के प्रति वाकिफ हो सके। राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में 1803 में गढ़वाल में भीषण भूकंप आया। उस समय उनकी राजधानी श्रीनगर के पास चांदपुर गढ़ी में थी। हजारों लोग आपदा का शिकार हुए। ऐसे समय में गोरखाओं ने गढ़वाल पर अचानक आक्रमण कर दिया। महाराजा ने किसी तरह 1.5 लाख रुपए में सहारनपुर में आभूषण बेचकर सैनिकों का इंतजाम किया और गोरखाओं से देहरादून में खुड़बुड़ा में भीषण युद्ध किया। 4,000 गोरखा सैनिक बंदूकों से लैस थे जबकि गढ़वाल के सैनिकों के पास सिर्फ तलवारें थीं। 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए। 1,000 सैनिक और अन्य छोटी रियासतों के राजा भी शहीद हुए। जो हमारे 26 राजा थे जो छोटे राजा थे जिसमें वर्तमान विधायक और नंडोरा के जो विधायक है उमर प्रणव चैंपियन के परदादा पडे सिंह भी इसमें मारे गए थे और 1,000 सैनिक भी इसमें मारे गए थे। लेकिन ये एक हमारा जीता जागता एक इतिहास है कि प्रद्युम्न शाह ने अपनी भूमि को बचाने के लिए अपनी जगह को बचाने के लिए गोरखाओं से युद्ध किया था और उन्होंने वो युद्ध जो है 10,000 सैनिकों के साथ किया। वो 10,000 सैनिक बाहर के थे और प्रद्युम्न शाह ने अपनी पूरी संपत्ति सहारनपुर में 1.5 लाख में बेच दी थी 213 साल पहले और तब जाके 10,000 सैनिकों को लाए थे और गोरखाओं के 4,000 सैनिक थे जिसमें से 3,000 सैनिक गोरखाओं के बंदूकों से लैस थे। गोरखाओं से मुक्ति के लिए प्रद्युम्न शाह के बेटे महाराज सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। महाराजा सुदर्शन शाह को दून समेत गढ़वाल का हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने राज्य की राजधानी टिहरी में स्थापित की। उन्होंने ही खुड़बुड़ा में पिता की याद में स्मारक बनवाया। ये इस जगह पे जहाँ पे हम हैं ये इतिहास बताता है कि 1804 में गढ़वाल के 54वें महाराजा प्रद्युम्न शाह जो है युद्ध करते करते यहाँ पर आ गए थे। इस जगह का नाम है खुड़बुड़ा। 1804 में वो यहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हें शहीद का दर्जा मिल गया था और उनके बेटे ने जो प्रथम राजा बने और जिन्होंने टिहरी बसाई 1815 में सुदर्शन शाह जी महाराजा सुदर्शन शाह जी ने ये अपने पिता की याद में इस समाधि स्थल को बनाया। ये 213 साल पहले की बात है।